हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम योर होस्ट फराज। तो आप लोग अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की तैयारी तो कर रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना चाहिए। और सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी रिसोर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से आप लोग अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं। आपको कोई रोड मैप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी नोट्स या कोई और वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ऐसा रिसोर्स है जहां से आप लोग अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यूज। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत होती कहां पर है। सो हायरिंग के टाइम पे सबसे पहला राउंड जो होता है ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, वो दो तरीके का होता है। कुछ कंपनीज केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के ही क्वेश्चंस पूछती हैं, कुछ कंपनीज DSLGO के साथ साथ MCQs भी पूछती हैं फ्रॉम कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब इन MCQs में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आना बहुत ही नॉर्मल बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ। ऑफकोर्स सेकेंड सब्जेक्ट DBMS है, जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर की वीडियोज़ में देखेंगे, बट आज फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी कहाँ से है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने ऑन गोइंग 30 डेज चैलेंज के बारे में। तो मैंने कल 3 क्वेश्चंस किए, जिसमें से 2 क्वेश्चन हार्ड थे और 1 ईजी था। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए ये मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं चैलेंज के एंड में एक विनर सेलेक्ट कर पाऊँ। तो आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, ई बाला गुरु स्वामी। जो लोग कंप्यूटर साइंस से हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं या फिर IT से हैं, उन लोगों के पास तो ये बुक होगी ही फॉर देयर एकेडमिक्स, ई बाला गुरु स्वामी। ये बुक है जो आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करा देगी। इसके बाद आप लोगों को कुछ और रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ प्रैक्टिस करना, तो आप लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट थ्योरी के लिए आपको कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो सबसे पहले तो मैंने खुद ने इसको फॉलो किया था। मैंने इस बुक को 2 दिन के अंदर कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पहले से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता था, तो मैंने कुछ टॉपिक्स बीच में स्किप किए थे। लेकिन 10 दिन के अंदर आप लोग इस बुक को इजीली कवर कर सकते हैं, एंड इससे आपका A to Z सारा कुछ कवर हो जाएगा। आप फर्स्ट ऑनलाइन राउंड भी आसानी से पूरा कर लेंगे, एंड आपसे कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जाएगा, तो आप वो भी आंसर कर पाएंगे। तो ये रिसोर्स बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, इसको फॉलो करना है, एंड इसके अलावा कोई भी आपको रिसोर्स और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये बुक आपको Amazon से मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग ई कॉपी भी ले सकते हैं, बट आई वुड से कि हार्ड कॉपी ज़्यादा बेटर रहती है। उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट्स चिपका सकते हैं, और हार्ड कॉपीज़ को यूजुअली ज़्यादा टाइम तक आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, इस बुक की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब इस बुक में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं एंड कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेना, थर्ड चैप्टर आपको पहले से ही आता होगा अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो फोर्थ चैप्टर भी आपको आता होगा, फिफ्थ चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, देन टेंथ, यू कैन स्किप द चैप्टर 11, चैप्टर 12 कर लेना, चैप्टर 13 कर लेना, एंड उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं 14, 15, 16, वो आप स्किप कर सकते हैं, 17 भी आप स्किप कर सकते हैं। सेकेंड जो रिसोर्स है आपके पास वो है ये प्लेलिस्ट बाई NPTEL। अब ये प्लेलिस्ट थोड़ी सी एडवांस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, देन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्लेलिस्ट, इंस्टेड यू शुड गो फॉर द बुक। अब इस प्लेलिस्ट से भी आपका पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर हो जाएगा, एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है जो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 9 लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं, उसके बाद लेक्चर नंबर 47 से लेकर 50 तक आप स्किप कर सकते हैं, बाकी सारा पार्ट आप लोग कर लेना। हो सकता है कि ये प्लेलिस्ट फॉलो करने में आपको बुक से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, बट इसमें थोड़ा एडवांस में सारा कुछ कवर्ड है, एंड दोनों ही रिसोर्सेज इक्वली वैल्यूएबल हैं, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप लोग बुक की साइड जाएँ। दोनों में से सिर्फ एक ही रिसोर्स फॉलो करना है, दोनों पे नहीं जाना है, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपके पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं बनाने के लिए, आपके पास DBMS है पढ़ने के लिए, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज बताए हैं एंड सफिशियंट रिसोर्सेज ही बताए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिसोर्सेज बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियोस जो आने वाली हैं वो सारा आपके इंटरव्यू पे फोकस्ड होंगी। आपको रिसोर्सेज बताई जाएंगे, टिप्स बताई जाएंगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे।
सिर्फ 5 या 7 मिनट की वीडियो होती है, तो आप लोगों का इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, सारा इसमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज ही बताए जाते हैं। तो वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देख लिया करो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चंस। तो आज मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस किए थे। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन किया वो था रिड्यूसिंग डिशेस। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत ही ईजिली हो गया था, बट मैंने जब इसका डिस्कस खोल के देखा तो मुझे पता चला कि ये ग्रीडी अप्रोच से भी हो जाएगा, एंड ग्रीडीली इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेस और टाइम बचा सकते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करके देखना, एंड उसके बाद आप लोग इसको ग्रीडी तरीके से सोच के देखना। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन किया वो था मैक्सिमम स्कोर वर्ड्स फॉर्म्ड बाय लेटर्स। तो बेसिकली ये एक बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन था, एंड ये ब्रूट फोर्स से हो गया था। कंस्ट्रेंट्स काफ़ी लो थे, 2 raised to the power 14, जो कि आसानी से काम कर जाएगा, एंड बाकी सब लोगों ने भी यहाँ पर DFS और बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्यूशन बताया हुआ है। डिस्कशन देखना हमेशा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कोई अप्रोच मिस हो गई हो, एंड डिस्कस में आपको वो अप्रोच मिल जाती है। देन आफ्टर दैट मैंने एक ईजी सा क्वेश्चन किया था, तो ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है बेसिकली, बस इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो बाकी 2 क्वेश्चंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड फाइनली हम अपनी रेटिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। तो थोड़ी तो कुछ बेटर हुई है पहले से रेटिंग, अब देखते हैं हम लोग इसको 2000 के अंडर पहुंचा पाते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं अपने इस चैलेंज में। बाकी आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं आप लोग कमेंट्स में मुझे बता देना, एंड प्रैक्टिस करते रहो, 30 दिन में आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके इंटरव्यूज़ में। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल तक आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना, और आप लोग अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ना शुरू कर दो।